Very good morning everyone. This video is for the student of class 4. We are studying the GK subject, page number 18. We are studying the page number 18 and the name of the chapter is Sound Words. Sound Words. Okay. So students, let's start the chapter. Each sound has a specific name. हम सभी को पता है कि हर sound का एक खास नाम होता है ना? और इस chapter में क्या कह रहा है? Match the sounding words with the name of थिंग्स गिवन और साउंडिंग वर्ड्स को क्या है हम लोग को मैच करना है और जो थिंग्स का जो जिन चीज़ों का नाम दिया हुआ है उनके साउंडिंग वर्ड्स से हम लोगों को मैच करना है ना. तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 9 तक का आंसर लिखा है. इस तरीके से आपको क्या है 10 to 15 बनाना है और बुक में क्या है नंबरिंग कर देना है. 1 का सपोज 1 का आंसर आपका क्या है 1 नंबर, एच नंबर जूम, तो आप एच के बगल में 1 नंबर कर दोगे. ठीक है, क्योंकि आप पेंसिल से नहीं करोगे, क्रॉस टाइप का मैच नहीं करोगे, बहुत ही खराब लगेगा. ठीक है, फर्स्ट देखिए एरोप्लेन. फर्स्ट क्या कह रहा है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का क्या साउंड होता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक नाम होता है उसके साउंड का, जिसको हम लोग जूम कहते हैं या रोयर कहते हैं. ओके, स्ट्रीम, यू कैन इजली फाइंड द आंसर ऑफ स्ट्रीम बैबल. ओके, इन एफ नंबर you will get the answer in option number 8, F, Babel. Like this, आप इसे सर्च करोगे, break का आपका होगा, screech, sue, then creak, tooth, chatter, hammer, का आपका clangor, wave, lap, rain, patter, key, jingle. ओके, सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें ड्रम, नंबर 10 का आंसर आपको नंबर बी में मिलेगा बीट. ओके, और नंबर 11 लीफ. ओके, नंबर 11 लीफ को हम लोग देखेंगे तो रस्टल होगा. लीफ का जो है एक स्पेसिफिक उसके साउंड नेम दिया गया उसके साउंड का को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नंबर 11 रस्टल कहते हैं. ठीक है, और नंबर 12 हम लोग देखेंगे स्टीम, और नंबर 12 का हम लोग को आंसर कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर जी में हिज. ओके, हिज. और नंबर 13 आपका है बेल, और नंबर 13 का नंबर ए होगा जिंगल या रिंग कह सकते हैं उसको. ठीक है, नंबर 14 पेपर, नंबर 14 पेपर आपको कहाँ मिलेगा नंबर आई में क्रिंकल, क्रिंकल. ओके, एंड नंबर 15 की बात करें तो नंबर डी ऑप्शन आपका क्लैटर है, तो उसके साउंड का एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है स्पून के साउंड का क्लैटर. ठीक है, लाइक इस चैप्टर में आपको मैच करना है जो चीज़ दिया हुआ, जो थिंग्स नेम दिया हुआ है, नेम वो थिंग्स है और उसके साउंड वर्ड्स है, जो स्पेसिफिक नेम है उससे आपको मैच कर देना है. ओके,